दिमाग है कि नहीं? मेरी गल तेरे समझ नहीं आ रही। आप प्राइस की टेंशन मत दीजिए आंटी जी, हम लगा देंगे। आप फाइनल कीजिए ना। पूरी की पूरी मैरिज ही बर्बाद हो गई। वो ड्राइवर को रास्ता नहीं पता था जी। निमे इधर आ। ये क्या रुमाल जैसी स्कर्ट पहन रखी है तुमने? ये कोई तरीका स्कूल जाने का? छोटू हाँ जी, मास्टर जी से कह के इसके लिए एक लॉन्ग स्कर्ट बनवा दे। जी अंकल जी का मूड बहुत खराब है आज, टानी प्राची को भी पड़ी है। तुमको क्या हुआ? चोबन मीट बजाज छेड़ा क्या उसे तुमको? वैलेंटाइन डे पे प्रपोज किया था, गई थी उसके साथ। मेरा पीरियड मिस हो गया। ट्यूशन में कवर कर लेना। उसके और मेरे बीच में सेक्स हो गया है। तुम्हारा उम्र है सब करने का? तू पता स्कूलिंग में हो तुम। सोना, पापा जी को पता चला बड़ी प्रॉब्लम हो जानी। प्लीज कुछ करना, प्लीज। क्या? ये मैच खेलने जाना है स्कूल की तरफ से, फिर सवेरे जाएंगे अगले दिन वापस। I don't understand. तुम लड़कों को कंडोम से क्या एलर्जी है? ठीक है। वो करदार जी भाई, किसी सनू बॉर्डर भेज दिया भाई? तैयार है। तू ठीक है ना? तुम बिल्कुल फिट है। कल मेरा बर्थडे है। पता है, पापा जी ने किंग्स रिट्रीट में पार्टी रखी है। पता है। तो तू आएगा ना? पूछ रही हूँ या बुला रही हूँ? इसे इनवाइट करना कहते हैं। आ जाइयो, मैं वेट करूंगी।
कहाँ था तैयार? इतने काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। ओ भाई साहब, आपको सॉस और ये अजीरा मोड़ चाहिए था ना? ओ छोटू, दिमाग सारा पता नहीं किससे चलेगा। मैं केक पिक करना भूल गया। वो वैसे वो फोन पे ऑर्डर दिए थे ना केक के। क्या हालत नहीं? हाँ यही। यार कैटरिंग वालों ने बर्फ पूरी ऑर्डर नहीं किए। बार अंकल जी मेरी ले रहे हैं यार। बहुत जल्दी याद आ गया। हम निमी, चल, तेरी बर्थडे पार्टी है। हाँ? क्या कर रही है यहाँ पे? एक मिनट चल ना, एवरीबॉडी वेटिंग है। मुझे क्या हो गया? आ जा। हमको कहाँ फोन कर रहा हूँ? सर छुट्टियाँ तुम लोग करते हो, गाली हमको पड़ती है। मिस्टर जो हमको फोन कर रही है बार बार, हमारा काम नहीं है ये सब करने का, समझे ना? तुम लोगों को काम होता है कि नहीं होता है? घाट छीलने बैठे हो वहाँ पर। भैंस मत करो, फोन रखो। थर्ड क्लास पढ़ाई कितनी है? पहले ही डिलीवरी लेट है। पहले भी कराया काम, पहले तो इतना चंगा काम किता है। उनकी बड़ी शैबी काम किता है। नहीं यार सारी देखो जरी निकली पी है, किसी काम ना काम कि पता होना। तुम लोग काम नहीं करते हो, बिल हम पर फटता है। फोन करो जरा उसी वाले को, पूरा अपना सामान उठा के ले जाए। ऐसे वो आया किया अंकल जी, दूसरी रस्तों हो की रहे हैं। इधर फुद्दू से सुपरवाइजर बढ़ा रखा है आपने, क्वालिटी कंट्रोल। आधे रेट में सस्ते से वर्कर पकड़ रखे जो काम करनी थी आपकी फैक्ट्री में, तो ऑर्डर रिजेक्ट होना ही था आपका। ऑर्डर कैसे रिजेक्ट हो गया? तू सौ रहा सी, ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। की गल कर रहे हो तुम अंकल जी? केड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अंकल, तुहानू भी पता अपनी मर्जी नाल ही करते हो सब कुछ। क्या कह रहा है तू? कोई प्लानिंग ही नहीं, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे चल रही है, कुछ कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे किसी से। कौन सी प्लानिंग? बर्थडे पार्टी तो ऑर्गेनाइज की गई। बर्थडे पार्टी? और क्या, बर्थडे पार्टी वाली बात कहाँ से आ गई? क्यों क्यों नहीं आ सकते अंकल जी? पार्टी में क्या प्रॉब्लम थी? क्या प्लानिंग की आपने? एक फुद्दू सा केटर पकड़ा 50-60 रुपए बचाने के लिए। अरे बेटी का सालगिरह थी, आराम से धूमधाम से बनाते, 5 रुपए खर्च करते थे, उसमें भी कंजूसी। तो सब कुछ ठीक ठाक तो था, सभी ने एंजॉय किया। आप लोग इसलिए एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हम आधी रात तक ना भाग रहे थे घरों की तरफ, समझ रहे आप? 1 बजे बर्फ की सिल्ली उठा के आया जब नशे में टुन नाच रहे थे। इसमें मैं नहीं नाचूंगा था, तू नाचेगा क्या? साले थोड़ी सी ढील क्या दे दी, सर पे चढ़ गए। तुझे सड़क से उठा के मैंने दुकान पे नहीं रखा होता ना, तो आज भी कहीं रिक्शा चला रहा होता। बजा अपना काम कर, अभी जा ना। पापा जी लंच टाइम से गल करा के कस्टमर बैठे। चुप टहली, अभी जा ना। अगर सिंगन सिंह हमारे बिना चल सकता है तो हम भी सिंगन सिंह के बिना चल सकते हैं। तो चलने फिर। ना साल काम करने के बाद कहते हैं कि रिक्शा चलाओ। रिक्शा चलाने आए थे क्या? अबे जो हुआ अच्छा हुआ ना। इसमें क्या ठीक हुआ? क्या उखाड़ लेता तू सिंगन सिंह में? दमाद बनाता अंकल तुझे, साले तू ही घर वाला बन के घूम रहा था। इसीलिए तुम्हें मैंने 2 साल पहले बुलाया था। तब तो बड़ा उसका रिश्तेदार बनता था। ओके, हम तो उसके घर के आदमी हैं। अब भुगतो। सच्ची गल समझ बेटा, छोटा शहर है ना, सारे एक दूजे नूं जानदे ने। हुण जे रतनी अंकल तेरे बारे च पॉजिटिव ना होए, इस मार्केट च तेरे नाल कोई खड़ा नहीं होवेगा। मामू वो ठीक है, लेकिन हमारा प्रोफाइल इतना बड़ा चढ़ा के करने की क्या जरूरत है?
अरे बेटा वो सिन्हा जो है ना, वो अपना बेटी का इतना बड़ा बड़ा के एडवर्टाइज कर रहा था कि हमने कौन बड़ा बात कह दिया। और सच कहा हमने? अरे हमारा भांजा भी अमृतसर पंजाब में काम करता है भाई। अब ये बताइए तारीख क्या फिक्स की है? डेट तो करीब 9 महीने बाद का है। तब वो 18 की पूरी हो जाएंगी। 18? एजिंग में थोड़ा गैपिंग होना चाहिए, तभी ना सबको ठीक ठाक रहता है। अब तुम एक काम करो, लड़की को फेसबुक पे ऐड करो और बढ़िया बढ़िया प्रेम पत्र भेजो। समझ रहे हो ना हमारी बात? कम खा करे। ठीक है मामू। ठीक है आप भी चलना। ये ठीक है, हम तुम्हारे जरा कजिन को संभालते हैं, साला गोबर कर रहा है। इससे दिखाना है और यहां कहां दिखाना भाई, अभी तक साला एक छोटा सा इसकी पकी कब्ज दूर पेट साफ, रात को लो सुबह को ठीक। कट। ए हागस की पकी कब्ज दूर पेट साफ, रात को गोली लो सुबह को ठीक। कट। वेरी नाइस। ओए एम्प्टी हार्ट इज, ये डीडी पटना वाला तेरे को क्यों अपनी बंदी दे रहा है? वहां तो ये सवालों का ट्रेंड है ना। साला तुम भी लो हमारी है, हमको भूख लगी, चलो कुछ खा के आते हैं। एक शादी है, चलेगा? किसकी? अबे तूने क्या करना है किसकी? नॉनवेज पार्टी है, फ्री फ्रंट में मुर्गे शुरगे पड़ेंगे। ओ डीडी पटना वाला तेरे को गड्डी गुड्डी नहीं दे रहा कोई? हमें नहीं चाहिए किसी से कुछ। तुमको रशियन सालत के साथ क्या है? बाद में वही मैं सॉफ्ट ड्रिंक लेके आता हूँ। मिल गया टाइम कॉल बैक करने का? थोड़ा बिजी थे हम। हाँ हाँ पता है कहाँ बिजी था, थरक मुझे शादी तो फिक्स करा कर आ गया। हम अपनी लाइफ में सब कुछ आपके परमिशन लेके तो करेंगे नहीं ना। लड़की का फोटो देखा? आई होप यू आर स्टिल फ्रेंड्स। कभी कुछ काम हो तो फोन कर लियो। टेक केयर। ये तो क्या लड़की ने, कम से कम उसको अपना कमिटमेंट पूरा करने का गट्स तो था। साले तेरे गट्स की वजह से ना मेरा रशियन सलाद झूठ गया। ले आवे तेरी बात तू ना, बकवास करता कुत्ता है। नु इसको क्यों पीट रहा है? अबे तू रुक, तू भजाएगा कुड़ी। तू कोई रिवॉल्वर है? ना नजदीक थे भागने से, सब प्लानिंग किया होता तो आराम से भाग के शादी कर सकते थे। साले ऐसी सिचुएशन में दिमाग क्लियर कर थोड़ी ना सोचता, बड़ी होती है सालों की प्लानिंग करेंगे। कल सवेरे मिलते हैं। यार वो विंडोज वाले का क्या नाम था? साले था नहीं है, बिल गेट्स। यार उसी लेवल का एक आइडिया है हमारे पास। तुमको कल वाला इंसिडेंट याद है? यार अगर उस लड़का लड़की का कोई ऐसा जुगाड़ कर देता, उनका प्लानिंग कर देता तो अरे तो वो सक्सेसफुली भाग के शादी कर सकते थे ना। मतलब अगर हम भाग के शादी करने वालों के लिए ऐसा सर्विस प्रोवाइड करें, सारी भसूड़ी सेट कर दे,
देख मैं ना बड़े दिन से सोच रहा हूँ कि कोई फेसबुक जैसी वेबसाइट बनाओ, हम इन दोनों आईडी को कंबाइन करते हैं और एक वेबसाइट बनाते हैं। लोग अरेंज मैरिज वाली बनाते हैं, हम रनिंग मैरिज वाली बनाएंगे, रनिंग शादी। कार्ड दे। कार्ड? हमारा कार्ड तो परसों रात को हॉलगेट वाले एटीएम डगा गया। छड़ दे ईगो। मिलना जाके एक बारी मिला ना। तुम क्या कर रही हो यहाँ? मेरे प्यो की दुकान है, तू यहाँ क्या कर रहा है ये बता। हम टंडी पाजी को फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे। पापा जी ने जलंधर भेजा किसी काम से। क्या काम? हमें इंटरनेट से कुछ खरीदना है, उनका क्रेडिट कार्ड चाहिए। इंटरनेट से खरीदना था? हाँ तो? तूने? क्यों क्या? खरीद सकता है। अब तो फेसबुक पे तेरे भी 14 फ्रेंड्स हैं। मेरा कार्ड ले लियो। तुम्हारा कार्ड कैसे ले सकते हैं? चाहिए कि नहीं? क्या स्यापा डाल रखा दोनों ने? केड़ी वेबसाइट? तू अपने काम से काम रख, तू अपने मुंह को बंद रख। चुप करके बैठोगे? थैंक यू बोलते हैं। वेलकम नॉट। वेलकम नॉट। मेरे कॉलेज में आज भंगड़ा नाइट है, चलेगा? हम क्या करेंगे आके, तुम अपना फ्रेंड लोगों के साथ बिजी हो जाओगी फिर। ठीक है, मैं शंटी के साथ चली जाऊंगी फिर। वैसे काफी टाइम से पीछे पड़ा मेरे। बाय। भंगड़ा नाइट समिति शंटी। मतलब पर पहले ये तो पता चले लोगों को भगाना कैसे है। शंटी सर आपने लेट छोड़ के आना पड़ा तुम्हारे चक्करों की वजह से। ओ हमने भी ना जोबनी से मैटर में तेरे लिए रिस्क उठाया था। तू अपना मुंह बंद कर, अपने काम से काम रख, संभाल उसको। और नाना नहीं ना कम डीओ लगा कर आया कर। सही कह रही है। ये क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं है, सेफ्टी है। नीतू मासी मैं कई बार टकर चुकी हूँ दुकान पे, पहचान ले तो। चालू करो। 2013 हुई या 63, पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही है ना। अब ये निम्बी को ही देख ले, इसके डैडी का पता है तुझे? वो इसकी मर्जी से थोड़ी ना शादी करेगा इसकी। भाई रतनी ने तो यही सोचा है ना कि वो ही प्रेमी है। अरे इसीलिए तो भाग के शादी कराते है ना ये सारे लवर्स। वो जो संधू क्लोनी के है ना स्वीटी आशु, इंटरनेट केस था सर। फेसबुक पे चैटिंग करते करते हम स्काइप पे आ गए और फिर बिना मिले ही डिसाइड कर लिया वी आर मेड फॉर ईच अदर। पर पेरेंट्स ओल्ड फैशन थे, हमारी कास्टें अलग अलग थी, इसीलिए हमने अंबाला के गुरुद्वारे में जाके भाई जी के साथ सेटिंग करके फेरे डाल लिए। फिर भाई जी ने हमारे को लेटर दिया और हमने मैरिज रजिस्टर करवा दी। तो आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया दसो जी? फैमिली को क्या रिएक्ट करना था, उन्होंने तो लगा दिया राजे मामा को हमारे पीछे। वो हॉलगेट वाला बदमाश बहुत परेशान किया, पागल आदमी था, कुत्तों जैसे भगाया हमें। थोड़ी परजाई जीड़ी है वो हिमाचल तो है। अच्छा। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। मैं पंजाब तो, इंटरस्टेट और रिलीजन प्रॉब्लम तो यही होगी, ताही करके मैं स्पेशल मैरिज एक्ट में ना अपनी बुकिंग करा ली। मैक्सिमम कम वकील कर देने पाजी, वकील चंगा मिल जाए तो कम वधिया हो जाता है। किसको पकड़ेंगे? इनको पकड़ते हैं। साले इसकी तो शक्ल ही विलन जैसी है, इसको क्या पकड़ेंगे? आगे आगे पकड़ देंगे इसको। मुंडा लोकल है एनआरआई? लोकल है जी। एक कुड़ी? उसको भी लोकल ही पकड़ लीजिए। लोकल ही पकड़ लेते हैं, लोकल में बड़ी अच्छी सेटिंग होती है जी, ब्याह बड़ा लंबा चलता है। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਏਜ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਤੇ ਦੋ ਵਿਟਨੈਸ ਲਿਆਓ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ।
जी रिलेटिव ना हो तो गल ही कोई नहीं, हम किस लिए बैठे हैं? ओ काका जी विटनेस से असी ले आवांगे, बस पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे। पाजी ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है? Special Marriage Act is an act made by Parliament of India according to which any kudi of caste Gideon color can marry any munda of any caste Gideon color. It is very ortho modular law made by Parliament of India, sanctioned by Parliament of India. Oh, kehna matlab ye hai ki ye putthe cases ke liye istemal hota hai ji. Angal aa ji hai. Kaka ji. Oh ji. Panga kya hai? Hai panga bahut vaddi pasoodi hai, bahut vaddi pasoodi hai kaka ji. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਤੇ ਹੋ? ਬਈ ਐਵਰੇਜ ਲਗਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਫਤੇ ਮੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਹਮ ਜੱਜ ਕੇ ਸਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾ ਦੇ ਤੋ ਰੋਜ਼ ਕਰਾ ਲੈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਤਾ ਹੋ? ਉਹ ਕਾਕਾ ਜੀ ਘਰ ਕਾ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਮਸੇ ਮਸੇ ਰਸੋਈ ਚਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੱਕਾ ਮਾਰ। ਤੋ ਵਹੀ ਤੋ ਹਮ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਕਿ ਹਮ ਆਪਕਾ ਰਸੋਈ ਬੈਡਰੂਮ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਬੈਡਰੂਮ ਬਾਥਰੂਮ ਸਭ ਚਲਾ ਦੇਂਗੇ। ਔਰ ਬੋਲੋ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕੋ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਂਗੇ ਜੀ। ਓਏ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਬੀਚ ਮੇ ਮਤ ਲਈਓ, ਬੜਾ ਟੱਚੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ? ਬਸ ਆਪਕੋ ਨਾ ਹਮੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਮੇ ਡੇਟਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲਵਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਲੋਕ ਸੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਲੋ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਲੋ ਉਨਕੋ। ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਮ ਵੀ ਮਾਂ ਕੇ ਬੁੱਕ ਸੇ ਕਮ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ। अब क्या करें? वेट करते हैं, लोग अपनी प्रोफाइल डालें। पर लोगों को पता कैसे चलेगा हमारी साइट के बारे में? इंटेलिजेंट कपल्स, जब दुकान में सेल लगती थी तो पापा जी उस पॉपुलर प्रेस वाले के पास जाते थे ना पैम्फलेट छपवाने। हाँ तो हम भी तो जाते थे डिजाइन लेकर। हाँ तो बस वही कर। राइट यार, मैं तो बाय डिफॉल्ट ही राइटर्स ही दाने हैं। चल मैं जा रही हूँ, शंटी का बर्थडे है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेंचर्स। इसको और कोई काम नहीं है, हर वक्त शंटी 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 शंटी। तेरे पास काम है ना तो तू शंटी 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 मत कर। हैप्पी बर्थडे। मिल्की शंकु 21 21 नो थैंक्स। रेडी रेडी पाजी, ये पंकी क्या? एक्चुअली हमारा काम थोड़ा रिस्की है, इसलिए सेफ्टी के लिए करना पड़ता है। इंटेलिजेंस सर। अब साइबर? ये बंगाली और पंजाबी केस है। थिंग इज व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग फ्रॉम दिल्ली आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड फ्रॉम देम वी आर टुगेदर टुगेदर। क्या बढ़िया। बट नाउ हर फैमिली नो एवरीथिंग, हर फैमिली अरेंज हर मैरिज विद एन एनआरआई पर्सन फ्रॉम कनाडा। आप एक बात बताइए, आपका शादी कौन से डेट का फिक्स है? 10th of next month. मैडम एक बात बताइए, आर यू श्योर मैम कि आप इनसे शादी करेंगे? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हां शंकु इज द मोस्ट ब्रेनियस्ट पर्सन आई एवर नो। ओके जी बीएम तो बढ़िया, तुम मतलब गुड गुड मेंटल, गुड मेंटल, अच्छी बात है। चलो अब उसको छोड़ो मैडम, ये बताओ इतने ब्रेनियस्ट पर्सन से व्हाई योर फैमिली प्रॉब्लम? तनी बॉन्ग्स दे नाल की एलर्जी है मॉम डैड नु, पर मैंने भी कह देता है मैंने किसी एनआरआई नाल ब्याह नहीं करना। गलत किया आपने। व्हाट? देखिए सबसे पहले तो अपने घर जाइए और अपने घर वालों से सुलह कर लीजिए और उनको ये फीलिंग दीजिए कि आप एनआरआई शादी के लिए रेडी हैं और फिर कल सुबह से जॉगिंग शुरू कीजिए। जॉगिंग? जी हाँ जॉगिंग।
सुबह 7 बजे घर के बगल वाले मैदान में जॉगिंग करने निकली। आपके घर वालों को लगेगा कि आप शादी के लिए हेल्दी हो रही हैं, तैयार हो रही हैं, रिलैक्स हो जाएंगे और 2-3 दिन ऐसे ही पैटर्न बनाए रखिएगा। और फिर 4th दिन पार्क के बगल वाली गली में हमारी लाल आइटम मिलेगी, चुपचाप आराम से जाकर बैठ जाइए। इनका तो पुलिस के ज्यादा हो रखा है, राज हिंदू है और साजा मुसलमान, तो इनका स्पेशल मैरिज एक्ट वाला मैटर है। लेकिन पाजी मेरे घर वाले तो 3 दिन बाद मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। मेरी भी कसूरी मैनेजमेंट पैकेज। अपने आप को तुम समझो रियल पुलिस हो, कन्विंस कर अपने को। चलो उतर के बैठो। शाबाश, चल लेके आओ। चलो चलो। मारेंगे चाटा की। चलो। ये साला चोरों की तरह क्यों जा रहा है? गधा है इसलिए। साइबर, उन दोनों को पीछे से निकालो, योनी का ही भाई लोग लड़ रहे हैं। चलो चलो चलिए, जल्दी जल्दी भागो, मिठाई छोड़ो, बाहर पंगा हो गया। चलो चलो, कहाँ जा रहे हो? हिंदू मुस्लिम मामला है, मैटर बड़ा ही सेंसिटिव है। मुंडे कुड़ी के छिपने की जगह है तेरे पास। काका जी, और मेरी एक गल सुन, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ दोस्तों। मैंने भी रनिंग शादी करानी है। कोई तुम्हारी होने वाली परजाई दे बच्चे जड़े हैं ना, बड़े कुत्ते ने, वो हमारे बयान वो मंदे ही नहीं, पर मैं शादी जरूर करानी है। एक्चुअली ना, वी कांट लिव विदाउट टीचर्स, पर साडे पेरेंट्स मंदे ही नहीं। देखो कुछ हो सकता है यार, प्यार अग्गे पीछे थोड़ी ना देखता, हो जाता है। फिकर ना तो करियो भी, अब नाबालिग हैं अभी, आप लोगों को शादी करनी है ना, अगला साल आएगा हमारे पास। यार ये बात सोचने का टाइम नहीं है, पहले ये सोच कि इनकी प्रोटेक्शन का क्या करना है, कुटेंगे नहीं तो। मैरिज सर्टिफिकेट पैसा था, मैरिज सर्टिफिकेट है, देखो भाई साहब, तुम भी उठा दे, कुछ भी देखो जी। उन कानूनी तौर पे दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया जी। तुसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है? जे कोई लड़ाई झगड़ा करेगा तो पुलिस की प्रोटेक्शन इन्हें दी गई है, असं कार्रवाई करांगे। बैटर यही होएगा कि तुसी अपना कॉम्प्रोमाइज कर लो। बहुत बढ़िया भाई, चलो हम दोनों आके खड़े होके हैंडशेक कर। शाबाश शाबाश, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, चलो जी चलो, शाबाश, तालियां बजाओ भाई, शाबाश, तालियां तालियां, चलो शाबाश, मुंह मिठा कर, मुंह मिठा कर, ले ब्रावो, तू मुंह मिठा कर, शाबाश। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। ओ ये नहीं बसूड़ी है यार, कोई सिमरन है जो भागने से पहले संगीत नाइट की डिमांड कर रही है। ओ फुदू जी, कुड़ी लैद सब तो इंपॉर्टेंट दिन होंगे, करण जो स्टाइल संगीत की डिमांड तो आनी है। करना क्या है? मेरे को क्या देख रहे हो? आजकल दे मुंडे कुड़ियां लई सब तो वड्डी पसूड़ी है अपनी मर्जी नाल व्याह कराना। ओदे लई भी एक जुगाड़ सेट है जी। इतने आ गई है एक वेबसाइट जिसका नाम है रनिंग शादी। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। हेलो मैडम, मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाई वेबसाइट? देखिए, हम कभी व्हाई नहीं सोचते, हम व्हाई नॉट सोचते।
हमारी कंट्री में ना शादी एक बहुत बड़ा बिजनेस है और ऑलरेडी ना बहुत सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट बन चुकी है और मैट्रिमोनी में यही एक नया वेरिएशन आ सकता था जी, रनिंग शादी। इस वेबसाइट दे आ जाना सिटी दे यंगस्टर्स ते बहुत ही ज्यादा खुश ने। तो आई फील कि रनिंग शादी अच्छा है कि एटलीस्ट प्रॉब्लम्स को समझता है। पेरेंट्स तो मानेंगे नहीं, भज के ब्याह कराना पड़ेगा। ओ यार जिसने भजना उसने तो भज ही जाना है। फिर वो सिस्टमैटिकल तरीके नाल क्यों ना भजे? बट एल्डर्स दे आर नॉट वेरी हैप्पी। ये एडवाइजेबल नहीं है। अपने सारा माहौल खराब हो रहा है। नहीं नहीं रनिंग शादी नहीं। जसप्रीत भजाया सी। जसप्रीत ढिल्लो? हाँ जी हाँ जी। उन्होंने रेफरेंस दी होगी। मेरी बहन है वो। ओ लक्की आजा सारे। सारे कुत्तों की टोपियां। लिटिल उठ, उठ ना। क्या हो गया? वहाँ बड़ा पंगा पड़ गया। क्यों क्या हो गया? यार वो याद है वो जो मनी मैटर वाली वो लेडी डॉक्टर, यार वो गधी मेरे शॉप पे आ गई। डॉक्टर साहब ये जी मेरी बेटी। आपकी बेटी? जी हाँ। सारा मैटर बोल दिया उसने। पापा जी का भी ना दिमाग हो गया खराब। वो लुधियाना कोई गुरविंदर पट्टी है, उसे मेरा विवाह फिक्स करा दिया। मेरे को नहीं करनी है शादी। क्या करना है? लव मैरिज करनी है। किससे? तुझसे। नहीं सुबह सुबह हमारे साथ मजाक मत कर। हाँ मजाक ही कर रही हूँ। तेरे से कौन शादी करेगा गवार? शक्ल देखी अपनी? शंटी से करनी है शादी। शंटी? हाँ। मैटर इतना पक गया, हमें बताया भी नहीं तुमने। सब कुछ का तेरी परमिशन लेके पकाऊंगी। परमिशन लेने को नहीं कह रहे हैं। तुम्हारा प्यार शहर ना हमेशा फास्ट फॉरवर्ड में होता है। ये जो बन भी मैटर हमें फिर से रिपीट होता दिख रहा है। ए तो सवेरे सवेरे ना मुझे लेक्चर ना दे। मैं लेक्चर नहीं सुन रहा तो कहाँ आई हो? शादी का कार्ड दे। ओए शंटी तेजपाल अंकल का मुंडा। बढ़िया है फिर तो। अंकल जी ने जरूर करानी है शादी। इंटेलिजेंट, तभी आई हूँ तेरे पास हेल्प मांगने। हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो रनिंग शादी भगाने में हेल्प कर देना मेरे को। तुम पागल हो गई? हम क्या कर सकते हैं इसमें? यार ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है यार? मैंने नहीं करी थी तेरी हेल्प। भाई बात समझो, देखो हमसे नहीं होगा ये सब। अंकल जी को लगेगा हम उनसे रिवेंज ले रहे हैं। और तुम्हारा भाई हमारा दोस्त है, देखो हमको इस झमेले में मत डालो, समझी? हमारे समझ में नहीं आता ये सब। अंकल जी मेरे भाई की तेरे को पड़ी है, मैं झमेला हूँ? क्या बात है। निमी निमी देखो बात को समझो। समझ रही हूँ। ठीक है सुनो। तुम क्या सुनो यार, तू भी यूजर निकला। ठीक है अंडरस्टैंड, कोई नहीं ठीक है संभाल लूंगी मैं। बस हाँ एक फेवर कर दियो, टैनी को खुश मत बताइयो, इतना तो कर सकता है। थैंक यू। वो लड़की ना तेरी लाइफ का वायरस है, बेवकूफी मत कर। अंकल के साथ अपना रिवेंसा को और मत बढ़ा।
और टैनी तेरा दोस्त नहीं है, उसकी बहन को भगाएगा। अजीब आदमी है तू। और यार तेरे को खुद की शादी की बनी पड़ी, दो हफ्ते में तेरे को पटना निकलना है, क्यों नहीं बसुड़ी पाल रहा है? पापा जी भी तुझे बहुत मिस कर रहे हैं, एक बार मिल लिया उनसे जाने से पहले अच्छा रहेगा। और बता। नहीं, तुम ऐसा कैसे सो सकती हो? अंकल जी जिस किसी से भी ब्याह करने को कह रहे हैं कर लो चुपचाप, लव शव ऑटोमेटिकली हो जाता है। तू तो मैंने लव शव दी एडवाइस दे ना, तरक में जाकर ब्यारन से शादी फिक्स करा कर आ गया, पढ़ाया मेरे को एडवाइस दे रहा। हमको कोई ठरक नहीं चढ़ी थी समझी, तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं दिखा इसलिए चुपचाप आगे बढ़ गए। तो ठीक है ना, तो मेरे को आगे बढ़ने देने में क्या प्रॉब्लम है? एक छोटा सा काम कहा था, और ज्यादा तो होया नहीं। टैनी प्राची हमारे भाई जैसे। मैं तेरी दुश्मन थी? मैं ना कोई अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट है तभी समझा रहे। अरे जुम्मा जुम्मा दो तीन महीना हुआ लड़के को जाने में, अरे उसको समझ लो जान लो, फिर से जल्दबाजी कर रही हो तुम। तेरे को कैसे पता मैं शंटी को नहीं समझती? तू जानता शंटी को? मिला उससे? अरे हमको नहीं मिलना, शादी तुमको करनी है ना। भगाना तो तूने है ना। चल मिलना, एक बार मिल ले। अरे ये कौन सी जोरदस्ती वाली बात भाई, ये कौन सी जोरदस्ती? मिलते हैं चल। आ गया। हाय बेबी। हाय, माय सेल्फ दिलजीत कपूर, ऑल्सो नोन एज शंटी। मैंने इसको सब बता दिया तेरे बारे में, नाक मत कटाइयो, परसों ने भजना है। और आप लोग भाग के जाएंगे क्या? अपा वही दिल्ली सेटल हो जाना। इसकी एमएनसी में जॉब लग चुकी है, कल इंडक्शन है, ही इज एन एमबीए नो। ठीक है, हम कुछ करते हैं। थैंक्स रियली अप्रिशिएट इट। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। पक्का? थैंक यू बेबी, मैंने बोला था ना ये मेरे पास। हम भी तो किसी और से शादी कर रहे हैं ना, तो उसको भी हक बनता है ना लाइफ में आगे बढ़ने का। हक बनता है साले, शहीद आशिक ना बस फिल्मों में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में ये कहलाते हैं। हाँ तो कहला दिए तुम्हें अब्बल दर्जी की, क्या बोलो तो उससे भी बड़ा। चल बता कब भगाना तेरी मम्मी को, बता। तू कल अंबाला निकलना है। अंबाला क्यों? यहाँ मैटर बड़ा रिस्की है, वहीं गुरुद्वारे में आनंद कलज के बाद बगल में कोर्ट है, वहां रजिस्ट्री करा देंगे। वो संटी का दिल्ली में कोई इंट्रोडक्शन है, वो डायरेक्टली पहुंचेगा। और वो तेरी निम्मी वायरस, उसके बापू ने तो घर पे कर्फ्यू लगा रखा होगा, उसको कैसे निकालेंगे? यहाँ तो ये हम कॉल नहीं देखे ना, पापा जी से मिलने। अच्छा ओए किधर हैंड पार्टी? ये हैंड पार्टी क्या है अंकल? डैडी वो मुंडिया के लिए पार्टी होती है ना शादी तो पहला, वही अंकल गर्ल्स के लिए होती है अंकल, बैचलर पार्टी जैसा। हमें नहीं करनी कोई पार्टी अंकल जी, प्लीज अंकल फिर तो ऐसे लुधियाना चले जाना प्लीज, फिर जब टाइम मिले। अच्छा पार्टी करनी है तो यहीं कर लो ना। नहीं नहीं अंकल, वो गर्ल्स की पार्टी है, लड़कियों की पार्टी है मेरे घर। अंकल प्लीज जाने दीजिए, प्लीज अंकल प्लीज। हां जी मेरे नाल जा। मैं जी टैनी है, अंकल टैनी क्या कर रही है उसकी अलग से? हां भाई टैनी नहीं तो पार्टी नहीं। ठीक है अंकल चल टैनी। Thank you.
के तेरी गोदी में बैठूंगा। यार टेनी यार छोड़ ना यार, तू क्या करेगा यार लड़कियों के बीच में आके। तू सुबह आके मुझे अर्शी के घर से पिकअप कर लियो ना। पापा जी ने बोला तुझ पे वॉच रखनी है। तेरे को मुझ पे ट्रस्ट नहीं है यार, ये बात होगी बस। कमाल है यार, पापा जी मेरी रेल बना देंगे, समझा कर। यार दो दिन की तो बात है, सुबह मैंने चले जाना है, आप थोड़े से तो मजे करने थे। मेरा प्लीज, अपने बहन के लिए इतना नहीं कर सकता। सुबह 7 बजे आ जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, हाँ चल। थैंक यू, ध्यान से जाना। बाय। और दूर पार्क कर लेता। अरे हम बोले तो थे अवतार सिंह के आटे के चक्की के बारे में, लाल रंग के आई-10 में मिलेंगे। अंधेरे में ना मुझे आई-10 20 30 40 सब एक बराबर दिखता है, तो मैंने देख लेना था। और देखा तो नहीं ना किसी ने? तो किसी के देखने की वेट कर रहा है, गाड़ी चला। तू गाड़ी नहीं भगा रहा तुमको, समझी ना? हम भगा रहे हैं तुमको, 100% फुल प्रूफ रिकॉर्ड है हमारा। चुप कर और गाड़ी चला। दया की कर रहे रत्नी, जवान मुंडे पे हाथ उठाते हैं। इनू उते निगाह रखण नु क्या सी? ओए भज किवें गई? अरे कुछ नहीं, क्लाइंट का फरमाइश है, खाना खा के जाएंगे। अब खाना खाने थोड़ा मना कर सकते हैं किसी को। साले ऐसे पेटू क्लाइंट पकड़ेगा ना तो यही आयो ना। बकवास मत करो, तुम बताओ सब कुछ सेट है वहां पर? हां यहां सब सेट है, पर वो तेरे ब्रदर इन लॉ शंटी का फोन ऑफ आ रहा है, वो पहुंच जाएगा। तुम दोबारा फोन करो ना। और बैठे बैठे ज्यादा समोसे मत, समझे? साले तेरे को आने पड़ा चलाओ, रखो फोन। निमी शंडी फोन नहीं उठा रहा। अकाउंट्स का एग्जाम है उसका। नौकरी का कौन सा एग्जाम होता है? शंडी मेरा कॉलेज में सीनियर है, तो सारा ड्रामा उसने मेरे कहने पे तो किया। मतलब मुझे तेरे साथ भागना था गवार। मजा करियो। ठीक है यार, मान रही हूँ अपनी गलती, लग गई थी मुझे कॉलेज के दोस्तों की हवा। सही कह रहा था तू, तेरे को पता है ना वो लोग कैसे हैं। पागल हो गई हो क्या? पागल तो तू हो गया था, उस बिहार से जाके शादी फिक्स करा कर आ गया। ईगो में मैंने भी शंटी पैदा कर दिया, सोचा तुझे जलस फील कराऊंगी। मैं शंटी के साथ चली जाऊंगी फिर। शंटी के साथ आपने डेट छोड़ के आना पड़ा, शंटी का बर्थडे है। बा बता, तेरे को लगता है मैं इतनी बड़ी रेली हूँ कि तेरी कोई रनिंग शादी के लिए पैम्फलेट और वो कार्ड करती घूमूंगी? कोई काम नहीं है क्या मेरे को? सोचा थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी तेरे साथ, थोड़ी अक्ल आ जाएगी तेरे में, अपनी शादी कैंसिल कर देगा। तू तो मुझसे भी ज्यादा दिन निकला। ठीक है थोड़ा ईगो कम होता मेरे में तो मैं ही शायद सॉरी बोल देती। तो बोल देती ना, इतना बड़ा कांड कराने की क्या जरूरत थी? आई थी ना बोलने, लव मैरिज करनी है। किससे? तुझसे। तब रिएक्शन देखा था अपना, शक्ल देखी थी, वो मूड ऑफ हो गया मेरा। मैंने भी ऑन द स्पॉट शंटी वाली कहानी बना दी। तू पागल हो गई तुम यार, तू इतना सेंटी क्यों हो रहा है? तो चिल कर ना, जो प्लान है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। हम दोनों जाके गुरुद्वारे में शादी कर लेंगे, उसका रजिस्ट्री तो है ही है, सब सेट है, टेंशन मत ले। बहुत बढ़िया, सब सेट, बहुत बढ़िया प्लान सोचा तुमने। अंकल जी को क्या फेस दिखाना? अंकल जी को क्या फेस दिखाना, उनको तो पता चल गया होगा। मैं लेटर छोड़ के आ गई हूँ, मैं लिखा ही हूँ, मैं भरोसे पर भाग के शादी करूँ। देख लेटर, मैं वापस नहीं जा सकती।
पापा जी मेरा कोई सेंस नहीं है, अब थोड़ा फोन उठाऊंगी। और तुम्हें सेंस का गोदान भरा पड़ा हुआ है ना, इससे ज्यादा उल्टा प्लान नहीं सूझा तुमको? यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, इतना क्या सेंटी हो रहा है? देखो तो साले खुश होना चाहिए, इतना बड़ा पंगा पाया तेरे लिए। अरे बहुत बड़ा पंगा डाल दिया तुमने, और बहुत बुरी टाइमिंग है तुम्हारी। नाम बदल के ना सिंह भरोसे सिंह रखना पड़ेगा। रहन दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फट्टू है तेरा फ्रेंड। हाँ बट अगर मेरे पापा जी ईटी से पंजाबी के प्रोग्रामर होते ना तो करना था इसलिए मेरे साथ ब्याह। इससे एटीसी से कहले जाना है? चुप बैठो, क्या बकवास करने जा रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना? नहीं आ रही। इतना बड़ा कांड के लिए हम रेडी नहीं थे, पटना हमारा कमिटमेंट है पता ना तुमको। तो जा जा कर ले उस ब्यारन से शादी, तेरे लिए ना वही ठीक है। हाँ ठीक है, सही है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना, जा। हाँ तो जा रहे हैं ना। आ जा, रिलैक्स करो यार। बस मुझे क्लियर कट बताओ, तुम लोगों ने शादी करनी है कि नहीं? हाँ भाई जी वेट कर रहे हैं यार। कोई शादी वादी नहीं होगी, तो अपना घर फोन करो, सारा रोमांस चुपचाप बता दो। मुंह बंद कर गवार, और अपना वॉल्यूम कंट्रोल में रख, मैं नहीं करी कोई फोन वोन। हेलो। हेलो अम्मा। बेटा क्या ड्रामा किया हुआ है, कहाँ हो? मम्मी हम गाँव से, क्या फर्क पड़ता है, आप डिटेलिंग छोड़ दो, मैं आ रही हूँ वापस। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट घर में नहीं आना, पापा जी और डैनी का दिमाग एकदम आउट है। ऐसा करो तुम दोनों नीतू मासी की एयरपोर्ट वाली हवेली में चले जाओ, रात को वहीं रुकना। हाँ मैं धीरे धीरे मना लूंगी पापा जी को। Best of luck for your commitments, Ram Bharose. जाओगे? घर जाएंगे। पागल हो गया, शहर में दिख गए ना तो कुटाई खाओगे। काम करो, आज रात को यही रह लो। नहीं नहीं मैं मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। होम मैनेजमेंट तेरा कुछ नहीं होगा, उसकी लग जानी। आज रात को यही रह लो, सुबह देख लेना क्या करना। मैं भूलता टूटते हैं यार, सेफ है यहाँ पे, आज कल सुबह डिसाइड कर लेंगे। अनिमी ठीक है ना तू? थैंक गॉड। कैसा बेटा, ठीक है? चलो चलो अंदर चलो। गाड़ी की चाबी दो, मौसा इधर आ गया। मैंने कहा था ना तुझे, ये बंदी तेरी लाइफ का वायरस है।
छोड़ के तो जा रहे हैं ना, इससे तो और क्या कर सकते हैं। ठीक है, प्लान ना चलने नहीं वाला। हरियाणा रोडवेज की बस थी। हाँ, बहुत रश चलाते हैं वो लोग। गहरी चोट आई है क्या? कुछ कांच के टुकड़े शोल्डर में लॉज हो गए थे, ब्लीडिंग ज्यादा हुई है, इसलिए अभी 2-3 दिन फीवर रहेगा। कितनी गोलियां लगी? सॉरी यार, उनको टेंशन हो गया। राजा, हमें कॉल करने की पता नहीं क्या जरूरत थी। यस, चलते। भाई साहब, निमी कुछ खा लो, तुमको दवाई लेनी है। दस मिनट में एक डलहौजी के लिए बस निकलती है, क्या करना? मैनर्स कितने हैं? सॉरी टू डिस्टर्ब योर एक्टिविटीज, बट अभी मैंने ना राजा मामे और गैंग देखे मार्केट में, शॉप टू शॉप फोटो दिखा के इंक्वायरी कर रहे हैं। सॉरी यार, मैंने फेसबुक पे डलहौजी की पिक्चर्स अपलोड कर दी, सॉरी। अब यहाँ से भी भागना पड़ेगा। कब तक भागते फिरे हमारी निमी को लेकर? हमारी निमी, साले शादी किसी के साथ कर रहा है, भगा किसी और को रहा है, चाहता क्या है? फिलहाल तो सबका सेफ्टी जाते हैं,
वे सेफ्टी तो लालू जी के फॉर्मर देश में मिलेगी पटना। हाँ बकवास आइडिया एकदम। तेनू पता है ना उसका ब्याह फिक्स है वहां पे। पर यार उसका एरिया है वहां थोड़ी ना कोई कुछ उखाड़ लेगा। ये तो फैक्ट है। तो मुझे क्या वहां पे बराती बना के लेके जाएगा? हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। कॉकरोच साफ फिनाइल ठीक है मामा। फिर आप निकलिए हम लोग सुस्ते आ लेते हैं ठीक है ना। अच्छा, शाम को मिलते हैं। शाम को का है? दिन में आ जाओ लंच वंच करना ठीक है फिर हम फ्रेश हो लेते हैं थोड़ा। नहाओगे क्या? नहीं लेकिन 10 से 12 मिनट के बाद ब्लास्ट कर जाता है। एक काम करना एक एक बाल्टी गर्म पानी भरना और यूज करना। मामा आप तुम बस सुस्ता हूँ वहाँ पे। धक्का लगाए क्या? धक्का लगा तो ये पिटा खटारा रख रखा है। नया स्कूटर क्यों नहीं ले लेते? अरे ले लेंगे इससे काम चला रहे हैं। साले को अभी तुमने पेट्रोल से डीजल बनवाया है समझे? फैंटास्टिक चलता है बस। तो अभी जब हवा में दौड़ेगा उजाला बाबू, उजाला बाबू, कहाँ से आ रहा हूँ? इतना अंधेरा उजाला बाबू के घर में। अरे उजाला बाबू, उजाला बाबू, उजाला बाबू, उजाला बाबू, बताओ ये? Oh my God, I can't believe. जीजा जी आप कब आए? आप तो 4 दिन बाद आने वाले थे ना? काम जल्दी महाराज तो ऐसे थोड़ी करते हैं। हम लोग आते एयरपोर्ट पे महाराज लाल बत्ती वत्ती जलाते उधर ऐसे करके आपको लेके आते। अरे बैठिए शांत रहिए। मैं एकदम मेरा मूड ऑफ सेट। पानी पीबे महाराज पहले बोलते। अरे पानी पीबे नहीं पीबे। पानी दियो पानी दियो पानी दियो पानी दियो। बाप रे हमको तो बिलीव नहीं हो रहा। हाँ लेडीज कौन है? ये वो हमारी दोस्त की सिस्टर है बहन है वो साथ आई ना शादी के लिए। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं प्रॉब्लम कोई आपत्ति क्या? अरे आ सकते हैं ना दोस्त लोग शादी में। अरे जीजा जी आपत्ति की क्या बात होगी? आई एम जस्ट सी न्यू फेस दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। उसमें क्या है? हम तो आए थे कि अपना वो जो डीजे है ना मिथिलेश मिथिलेश राय खतरनाक वाला मामला है उसका। म्यूजिक बजा देगा तो समझिए कंकाल भी डांस करता है ऐसा वाला खेल है। बढ़िया अरेंजमेंट हो गया। अच्छा अच्छा अरेंजमेंट हो गया। अरे कुछ खाना खाना खाएंगे भोजन लगा? हम नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे। हम चाहते हैं कल आप पूरा फैमिली और आपके दोस्त सब लोग आइए आपको हम खिलाएंगे। लेकिन दोस्त लोग क्या करेंगे यहाँ के? फैमिली मैटर है हम लोग आते हैं। दोस्त लोग आएंगे जान पहचान होगी एक्टिविटी बनी रहेगी और मामा जी को पता चलेगा वो हमको बोलेंगे तुमने क्यों नहीं बोला इसलिए ना इसलिए हम बोल रहे हैं। समझ गए हम ले आएंगे सब। आप समझ गए? हाँ निकले हम चलिए इजाजत है। बिल्कुल बिल्कुल इजाजत ठीक है।
मजा आ गया आपको देख कर, वाह वाह वाह। हाँ आप लोग आइए जी, बिल्कुल ठीक है, चलिए। सहिता जब हम एक्शन बोलेंगे ना तो उसमें एक डब्बा डाल देना। ये फिनाइल एडवर्टाइजमेंट कंपनी पिछला 4 एडवर्टाइजमेंट का पैसा मार के बैठा हुआ साला। फिनाइल नहीं बिक रहा, कहता आपका एड फेल है। हमारा क्या गलती भाई इसमें? घर पे कपड़ा से छान छान के पानी पी रहे थे, यहाँ बिसलरी चाहिए इनको। जाओ उधर भाई, कबीला में बैठ जाओ। वो लड़की साथ तुम्हारे का चक्कर है? कौन लड़की? वो तुम्हारे साथ आई जो मामा, कोई चक्कर नहीं, कोई कांड वांड तो नहीं किया ना? क्या बात करे मामा, हम कांड क्यों नहीं कर दिया तो उसको नोटिस दे दो। आई डोंट नो यू, हो जाती गलती कभी कभी। अब तुम्हारा शादी होने वाला भी हुआ है ना, टेक केयर। हम डीडी पटना में एक पायलट सबमिट कर दिए हैं, सब सेना साहब के हाथ में है, हमारे हाथ में बस तुम ही हो ना। तुम्हारी मामी ने हैप्पी इन्वेस्टमेंट कर दिया है पायलट में। देखा पेट कितना निकल रहा है, काम नहीं कर पाओगे ठीक से। देखो तुम्हारी मामी को, साला यूनिट के मेंबर को कैसे तोल तोल के भात दाल दे रही है। तुम दोनों भाई हो ना, एक ही में खा लो, चलो प्लेट रखो वापस। मामा हमें नेहा को लेकर डाउट हो रहा है। का क्या डाउट हो रहा है? शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी जेंटल लेडीज, हम तो देखते डिसाइड कर लिए थे। शी मेक्स फॉर यू ओनली, सिर्फ नेहा के बारे में ही सोचो, ये तो पूरा फैमिली सड़क पे आ जाएगा, हाथ जोड़ते तुम्हारे। हाय, हाउ आर यू? या आई एम फाइन, या पैसे वैसे देते नहीं टाइम से, सुबह ही झाड़ने चले आते हैं। वो काला कोट वाला दिख रहा है, लगता है सारा फिनाइल वही पिया था होगा। कंपनी बस्ता का होगा, मैं आता कुत्ते से लिपट के। ठीक या साइकिलिंग, ठीक है तब तो तुम यहाँ बैठो, आते हैं। चाय तो पियो, चाय ठंडा हो रहा तुम्हारा। या सर आई एम वेटिंग फॉर यू, या वेरी वीक लुकिंग है। बताया नहीं अभी तक मामे को? आराम से बात करो ना, सुन लेंगे। देखो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मुख्तियार जी, ये वेरी बिग पसूड़ी वाले पैकेज में जाएगा। मुझे क्या पता सारा लड्डू खिलाने लेके जा रहा है। अरे समझो ना बात को, तुम नहीं जाओगी तो 4-5 सवाल और हम पर उठेंगे फिर। अभी चल लो ना प्लीज। आप ऐसे करो, सारा खर्चा वर्चा आप कर दो, हम वहां पे आके सारा हिसाब कर लेंगे। जो करना है कर, बस बिहारन से आके शादी मत कराइयो, पता चला मुझे बारात में नचा रहा है। वो चलिए, वो लड़की वो निमी और वो भाई उसका वो लड़का, तुम का इतना इंटरेस्ट ले रहे हो? अरे हम का इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितना भीड़ रहता है गहना गहमी बनी रहती है उतना इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। चलो चीयर्स करो, करो अब ना कहीं। अरे एम्बेसडर चला रहा, कोई बयान क्या दिन बना दी, किसी के पास नहीं समझते नहीं हो आप। उधर हट, अरे सुधु दुक्का बड़ा ट्रक से 2 किलो कम होता है। बैठ गया बढ़िया। नमस्कार, बस वैसे ही आई आई आई। चल, अरे प्रसाद, अरे चल निमी जी, नमस्कार, चल लीजिए ना। अरे निमी जी कुछ कुछ तो उठाइए, निमी जी प्रेशियस स्वीट उठाइए ना। धीरे धीरे, देखो इसको कहते हैं प्यार। अरे भांजा है लेकिन बिटवा की तरह माने हमजा, हमारा दीदी का बेटा है भाई। बहुत बढ़िया, अब तो बस लड़का लड़की एक बार जरा बातचीत कर ले। मलकाइन लिपापति हो गया तो बुलाइए ने। ओ देखिए आ गई, अरे देखो बिटिया आ गई, वेरी नाइस, लग रहा है स्वर्ग से अप्सरा उतर आई है। नहीं नहीं प्रणाम करो बेटा, प्रणाम करो, जूता खोल लीजिए ना, जूता खोल लीजिए ना, आशीर्वाद दीजिए ठीक से। हो गया, मॉडर्न है, पैरेट नहीं छुआते, मॉडर्न भी है। तुम बैठने दो ना नेहा को, तुम एक तरह बैठा हुआ बेहुदा का बेटा, इनको ना
आपको बताए थे ना आपस का, ये आपस का चलता है, लंबा इतिहास है, हम बताएंगे इसके बारे में। हाँ जी, अरे शर्मा रहे, देखिए कैसा लग रही है मेरे पे। पहली बार शादी, अरे एकदम ब्यूटीफुल, कौन चूज किए थे? हमारा चॉइस है। और ये नेहा तो गाना गजब गाती है, लता जी के एकदम ऑलमोस्ट नजदीक है। बाप रे बाप, गाना सुनो, सुनो कौन सा सुनेंगे? क्लासिकल सुनेंगे, फोक सुनेंगे, वेस्टर्न सुनेंगे, कौन सा? अरे मॉडर्न, मॉडर्न सॉन्ग सुना बेटा। सुनो मॉडर्न गाना, सुना मॉडर्न गाना। कलाकार को फ्रीडम चाहिए, कलाकार को फ्रीडम। सुना 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 सुना, चलो बढ़िया सुना सुना सुना। कलाम बजाएंगे तुम गाओ, चलो शुरू करो। हाँ, 1 2 3 4 get on the dance floor, bump sick na 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 na, naaning dishik dishik, naaning dishik dishik, gili 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 dumbo. Class to give ye sab ho gaya. Ab ek baar ko neha bitiya aur hamara bharosa hai, एक बार मिलने तो मिलने का बात करते बेटे, बहुत बड़ा गार्डन है आगे जाके देखिए, ग्राउंड मार के आइए आराम से, है ना, ले जाओ गार्डन में। जाओ अब, बस बस बेटा, शर्मा रहा है, जाओ खुल के बोलना, सब बातचीत करो, एजुकेशन के बारे में बताना। इधर बच्चों के लिए 2 कप चाय पहुंचाओ। One, two, three, four, get on the dance floor, bum chiki bum bum boom, badoo badoo। बड़े कौन है यार तेरे नया से नाम? मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो पापी ज्यादा बेटर है या ये? मैं अभी ना बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ, तो चित्तर मारूं कि थप्पड़। तेरे को ना जलसी जलसी हो रही है। मुझे ना कुछ जलसी वलसी नहीं हो रही है, तुम बंदों को कुछ पता होता नहीं है। शक्ल देखी थी उसकी, 36 बजे हुए थे। बात तो सही है यार, कुछ गड़बड़ है। उधर बात से ना खाली फोकट इतना एक्साइटमेंट दिखा रहा है, उधर लड़की हमसे सीधा मुंह बात तक नहीं कर रही। देखा, इस केस की ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पूरा पता करते हैं, कहाँ जाती है, कब जाती है, किसके साथ उठती है, किसके साथ बैठती है, सब कुछ। रनिंग शादी इन्वेस्टिगेशन। झूम के गावा हो। हाय हाय, पता लेता है अबे ये तो लौंडा है, बड़े गुण निकल रहे तेरे न्यास से ना के। कोशिश तो कीजिए। ओ देख, चुम्मा चाटी कर रही तेरी मिसेस। अरे नहीं साइबर, ये तो कुछ सीरियस मामला है। साला तभी लड़की का 18 होते ही सिन्हा हमको अपनी बेटी चिपका रहा है। बहुत ज्यादा करते हैं हम, इसीलिए आखिरी बार मिलने गए थे नेहा जी से। शादी करोगे उससे? आपकी होने वाली वाइफ के साथ हम कैसे शादी मनाएंगे? साले हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं, तू उससे शादी करेगा? तो टेंशन मत ले, चलो टेंशन क्यों ले रहे हो, हम बोल रहे हैं नहीं मारेंगे, चलो शाबाश। तेरा नाम क्या है, नाम बता। सीधा आगे पूछो। अमित कुमार। एक अमित कुमार, अच्छी कुड़ी है, कर ले शादी। वो सब ठीक है, लेकिन भैया तो नेहा जी के फादर हैं, वो बूढ़ा कुचट ने उनका नेट, ट्विटर, पुटर, फेसबुक, पता नहीं क्या क्या सब बंद किया हुआ है। हम जाएंगे कैसे वहां तक? अरे काहे टेंशन ले रहे हो तुम, हम है ना, हम सब सेट कर देंगे मामला। तू पागल हो गया यार, मंडप से भगाने का रिस्क क्यों ले, उसे पहले भगाते हैं। तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रही है, बारात नहीं पहुंचेगी, मामा घुस जाएंगे, सीरियल पास नहीं होगा उनका। यार देखो क्या अपने मामे के सीरियल की पड़ी है यार, हमारी लाइफ के जो डेली सोप बना पड़ा है वो बचपन हमारे माँ बाप नहीं थे, मामा ही थे सब कुछ।
हमेशा खड़े रहे पीछे हमारे। आज उनको हमारी जरूरत है तो हमें खड़ा होना पड़ेगा ना, उनकी मदद करनी पड़ेगी। ऐसे अकेला छोड़ दें क्या उनको? और वो तेरी नेहा? निमी, हमारी जरूरत पड़ेगी, समझी? तुम कल सुबह सुबह नेहा सेना के घर जाओ, उसका 18वां बर्थडे है, विश करने के बहाने जाकर उसे मिलो और अमित कुमार का वीडियो दिखाओ। यकीन दिलाओ उसे कि वो फट्टू उससे शादी करने के लिए तैयार है, ठीक है? और किसी भी हालत में हमारे प्लान के लिए कन्विंस करो। जब बारात चलेगी यहां से, तुम और अमित कुमार यहां से कल्टी हो जाना, ठीक है? यहां से बारात पहुंचने पहले तुम लोग वहां पहुंच जाना, ठीक है? पाटलिपुत्र हेरिटेज के कमरे में नेहा सेना तुम्हारा वेट कर रही होगी। उसको वहां से उठाना, नीचे हम एक सफेद एम्बेसडर खड़ी करा देंगे, टैक्सी ले जाएगी इन लोगों को बोध गया, जहां पे हमारे ददुआ भैया सुबह सुबह फेरे डलवा के शादी रजिस्टर करवा देंगे। और जब हम लोग वहां पे बारात लेके पहुंचेंगे, वहां तो मातम मच चुका होगा। नेहा सिन्हा के गायब होने के बाद सिन्हा हो जाएगा शर्मिंदा, ठीक है? चुपचाप कर देगा सीरियल पास, मामा भी खुश, सब कुछ सही हो जाएगा। और वैसे भी 4-5 महीने के बाद सिन्हा एंड फैमिली अमित कुमार को एक्सेप्ट कर लेगी, जस्ट लाइक मिल्की शंकु केस। वाह लिटिल, प्राउड ऑफ यू। क्या प्लान है? ले मूंगफली खा। कटी जाओ, निकले। हाँ मामा जी, हम पूरा करवा दिया, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, सब कुछ ओके है। ओके रहना चाहिए, टेंशन तुमको दे देंगे। इधर देखिए, स्टेज भी पूरा ओके है, लाइटिंग वगैरह पूरा करवा दिए हैं। आप देख लीजिए, एक नजारा तो दीजिए, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। अरे क्या हुआ, कनेक्शन नहीं आ रहा है? बनाए लिए अपने बारात में बराती। चले चल, निपटते हैं। भागो 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 भागो। यहाँ इतना एक्साइटमेंट क्यों है सर? ठीक तो है ना? अरे बिटिया का शादी है, आज एक्साइटमेंट नहीं होगा तो कब होगा? हाँ हाँ, सिन्हा बाबू संधि मिलनी में 5150 रुपए दे रहे हैं, साथ में लाल इमली का कंबल। कमाल है, मामा जी पूरा एटीएम लूट के लाए हैं। प्लीज प्लीज का है, लेकिन इतना खर्चा किया? अरे खर्चा अब तो हो गया आपका। बच्चों को थोड़ा सा पास। हाँ बच्चों इधर देखो प्लीज, इधर पब्लिक स्माइल। हाँ थैंक यू। निमी क्या हुआ? नेहा अभी भी रूम में भागी नहीं है, क्या करूँ? क्या बात कर रही हूँ, साइबर चीज से बात हुई? अरे लड़की का बड़ा फोन आ रहा है तुम्हारे मोबाइल पे। हमारा एक तो कांस्टेबल ऑनेस्टी आ रहा था, तो उसको 50 रुपीज का ब्राइबरी दे के बोला आपस में बांट लीजिए। एक तो 90-50 का एंटीक पीस लेके घूम रहा, न गाड़ी का कागज है न ड्राइविंग लाइसेंस है, ऊपर से ब्राइबरी हमको ठेलवा के लाना पड़ा। चलो प्लान भी बोल। जिमी हमारा प्लान है, कभी फेल हुआ नहीं, प्लान भी कभी हमने रखा नहीं। काम कर, चेक अपने मामे को सब सच सच बता दे, ये टीवी सीरियल है ना सब भूल जा। क्या बात कर रही हूँ निमी, ऐसे कैसे कर सकते हैं? मामा इन कंपनी से हम डूब जाएंगे। अब तो मैं कुछ करना पड़ेगा निमी। आज के बाद
इस दहलीज के बाहर तुम्हारा नया जिंदगी शुरू हो रहा है। जीवन इतना आसान नहीं है। ये क्या बना रखी है इसकी? क्या हो गया? क्या हुआ मैडम जी? आप है ब्यूटिशियन? हाँ जी हम है। कैसा मेकअप है? अरे कैसा हेयर स्टाइल कर रखा है? अरे ठीक तो है। होगी मैगजीन से चुन के निकाले हैं ये हेयर स्टाइल। अरे बहुत ही बकवास चुने आप। दीदी हम सुबह से कह रहे कि इतना बकवास हेयर स्टाइल बनाया लेकिन माने नहीं रहे हमारी बात। अरे नेहा तुम्हारा मेकअप तो अभी शुरू हुआ है ना, तो तू सुबह से मेकअप कैसे कर रही है? जी आप लेडीज के मामले में ना बोले, आप मेरी बात सुनिए। निमी जी मेरी बात को सुनिए, जस्ट लिसन मी। वहाँ पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रीसियस टाइम जा रहा है। उसकी फोटो वीडियो सब खराब हो जाएगी। मैं ठीक करके लेके आती हूँ, जल्दी ले आऊंगी। आप टेंशन ले ठीक है? अरे अरे सुनो सुनो, अरे मुझे आप मेरे साथ आई है, इसकी शादी है। पहले मुझे ये बता, थर्ड फ्लोर कहाँ से आ गया? वहाँ पे पावर का प्रॉब्लम हो गया था। दीदी को सोचो ना दीदी। कैसे निकालूंगी? सोचो सोचो सोचो। पिछले 4 घंटे से लग के हम उनका मेकअप कर रहे हैं। नहीं आपने किया है ना, आप कलाकार आदमी हैं, आपकी आंखों में दिखता है वो। हिद्रा चढ़ ऊपर, इन दो पर चढ़ के जाइयो आगे तक, फिर वो बीम को पकड़ के ना नीचे कूद जाइयो। मैं वहां से सीढ़ी लेके आऊंगी, तेरे नीचे आने में हेल्प कर दूंगी। सीढ़ी हम गिर गए तो सिर्फ कमर टूटेगी, पर उससे शादी होगी तो। अरे खा लो थोड़ा सा, तबे सही हो जाए। नहीं खाना। अरे बेटा टेस्ट इसके लिए हम आपसे माफी मांग रहे हैं। एक काम करो, तुम जितना बोल रहे उतना तुम सुनेगा जी। रसगुल्ला लेके आएगा जी, आइसक्रीम लेके आएगा। जाओ जल्दी से, जाओ जल्दी से लेके आओ। मतलब आप लोगों की सेटिंग होगी हो तो अंदर बाल सेट होने दीजिए। 10-15 मिनट डिस्टर्ब मत कीजिएगा। डिस्टर्ब करने के बाद क्या करा था आपने? आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अरे यार आप तो एकदम झांसी की रानी की तरह कर रहे हैं महाराज, सुनते नहीं कुछ बात को, या आदमी के सेंटीमेंट से खिलवाड़ करती है, कुछ भी बोलते हैं। रहने दीजिए, आप खाइए, आप रहने दीजिए। कटरीना कब बना देंगी, हम भी देख ही रहे हैं। ये पैकेट किधर है? उधर है। थैंक यू। ओए तुम्हारा नाम राम खिलावर है? तो सो क्या रहे हो, उठो ना। कह रहे थे ना बहुत ब्यूटीफुल लग रही है लड़की।
पंडित जी, हमको थोड़ा बाथरूम जाना है। थोड़ा क्यों, पूरा जाइए, परंतु फेरे कंप्लीट होने के बाद। बहुत जोर से जीजा जी, थोड़ा रुक के रखे ना, हो गया ना अब। अरे सांस ढीला छोड़ दी, नाभि केंद्र पर ध्यान रखिए ना। हेलो, अरे वो तो फोन पे लगे ना, ऐसे ऐसे छोड़ के नहीं जाते। अरे फोन पे लगे हुए महाराज, देखिए इनको फोन करना, डाल देगा हवन कुंड में, फालतू वाला बात किए हुए हैं। सैटेलाइट पे शादी ब्याह करवाते हैं आप लोग। अरे सुनिए जीजा जी, अरे साउंड में निपटाइए। अरे क्या हुआ? इलाज क्या हुआ? क्या हुआ इसको? क्या होगा? देखो जरा, इलाज क्या चली गई? देखो ना, क्या इंतजार है? अरे बता चलो भाई, जनरेटर वाला उठो। ये क्या 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 बेवजह बना है? ये क्या इंतजाम है? ये क्या? अरे एक मिनट रुकिए, देखो मामा शांत रहिए। अरे मंटू आ जाओ उधर, देखो ना बाबू, आपको पता था कि आपकी बिटिया का कहूं चक्कर चल रहा है, फिर भी आप उसकी शादी हमारे बिटवा के साथ कराने में जल्दबाजी कर रहे थे। कैसा बात कर रहे हो जाला जी, हैं? लेकिन लेकिन तो करवे करता है शादी से पहले सब। कहां करवे करता है? हमें इतना बुरा लास्ट टाइम तब फील हुआ था जब लालू जी अंदर गए थे। काहे इतना घबरा रहे हैं? कहो प्रसाद, हुआ? बात हो गई, 10 मिनट के अंदर रिजल्ट आएगा। सीए से बात हुई, पीए से बात हुई है, हुई है। हाँ, 10 मिनट के अंदर रिजल्ट आने वाला। 10 मिनट में आ जाएगा। हमारे आदमी के अनुमति के बगैर पटना स्टेशन से एक भी ट्रेन नहीं जाएगा। बात सुनिए जीजा जी, रुकिए, बोलिए। जो जीजा जी नहीं बोले, बोलिए। देखिए लड़की भागी आपकी, समझे? समझे मामा, हम बोल रहे हैं साफ साफ, हम भौड़ी लड़की से शादी नहीं करेंगे, हमारी भी रेपुटेशन है। अरे सुनिए, एक काम कीजिए, इनका सीरियल विरियल है वापस दे दीजिए। हमको ऐसे लोगों के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना। कैसे कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दीजिए भाई, हमें आपका फेवर नहीं चाहिए। अरे अरे फेवर नहीं है भाई, पूरा भरोसा हमको शांति प्रोडक्शन पे। अरे अरे हां, सीरियल का है, बीच में आ गया है। हां हां, इसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर ही साइन कर दिए थे। मैरिज में पास हुआ है। देखिए भरोसे बाबू, देखिए गलती हुआ है, लेकिन हमारी भागी है, माफ कर दिया जाए। देखो बेटा, लड़की के बाप हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा पश्चाताप कर रहे हैं, दुख की बात है। अब सब आराम से बैठो और उनको बोलो विधायक बाबू को वो अपने आईसीयू में पड़े। बोल दो बोल दो बोल दो, अभी आराम करो, हमारे बिटवा को गरम गरम चाय पिलाओ। जब चाय लो, अदरक इलायची इलायची डाल चाय चाय मंगाओ। पगड़ी पहने, बड़े सर दर्द हो गया। अरे चाय लेके आ रे, इलायची वाला। साइबरजीत सिंह, फर्स्ट टाइम रनिंग शादी का हिस्ट्री में तुमको फेल किया। मैं पुलिस वाले के साथ खलीफागिरी करती है ना तुम बजा? ये तो अच्छा, हमको शौक को ज्यादा मिल गया भाई। मतलब बाहर जिसका भी है वो आप हो? छोड़ो ना ये सब, तो बताओ तुम क्या कर रहे हो? दादा बेसिकली आई हैव कम फॉर यू नो कॉन्फ्रेंस। माय लाइक फेवर करोगे? जान हाजिर है विदाउट एनी कंडीशन, आप बोलो क्या कर रहे हो? लोड नहीं उनसे दाने। मजेरी गल है, सिन्हा अंकल है ना, सिन्हा अंकल ये पूरे शहर नु अपने कुड़ी वास्ते लवड़े हो तो सरजी सरजी, और कुड़ी तो इत्थे बैठे हैं। अच्छा भैया वो सब ठीक है, पर ये बताइए अभी आगे का क्या प्लान है? प्लान जो था वही है, हम लोग आएगा टैक्सी,
उसके बाद तुम दोनों कूद गए। और तुम दोनों है? इससे आगे मेरे कवरेज क्षेत्र से बाहर है, तू ही संभाल लियो। और अगर जिंदा बच गया ना तो आ जाइयो, शाम को मुख्तियार जी से मीटिंग है। याद आंटी वारिस, दिल पे मत लियो। थैंक्स। नो वायरस। चलो मैं निकलता हूँ, ध्यान रखियो। सोच ले एक बार फिर, मैं बोलूं बहुत बुरा आइडिया। निमी, हम तुमको भगाते भगाते थक चुके, अब यहाँ ही गए, निपटते हैं। अरे निमी, वो अंकल जी का दीवार पे जो दो नाली लटका रहता है, चलती है क्या? पर पापा जी संडे टू संडे साफ तो करते थे, अब चलती भी होगी। ओह कोई नहीं, अंकल जी बहुत कंजूस है, 80 रुपए की गोली हम पर वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, फ्री का लाफा जरूर मारेंगे। लाफा तुम हमारी तरफ से खा लेना। वाह बेटे, यही तेरा प्यार, लाफा मैं खाऊं? नहीं।